कलाकार की कलाकारी दिखाने जा रहे हैं। इनका नाम है संतोष रेणु। बहुत ही उम्दा गाते हैं और इनकी गायकी के सब कायल हैं। इन्होंने सबके छुड़ा दिए हैं छक्के। नमस्कार, मैं हूं शशिप्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। और आज भोजपुरिया जगत में मच रहा है धमाल और बवाल। पवन सिंह वापस आ गए हैं अवार्ड लेकर, तो भोजपुरिया जगत में है ढेर सारा उत्साह। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं अपने जो फैंस हैं उन्हें कुछ तरकता फरकता गीत सुनाया जाए। तो चलिए, संतोष रेणु जी ने भी बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं पवन सिंह को उनके अवार्ड शो पर, और बहुत सारा प्यार बोला है। और इसके अलावा ये गीत जरूर सुनिए और ढेर सारा मनोरंजन करिए। तो चलिए सुनिए ये गीत। गायकी है संतोष रेणु जी की। वैसे संतोष रेणु जी ने फिल्में भी कई बनाई, लेकिन कुछ फिल्मों में उन्हें थोड़ा बहुत धोखा भी हो गया। कहते हैं ना कि जब इंसान सड़क पर चलता है तो उसे अपनी आँख कान नाक सब कुछ खुले रखने चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और खोलने की ज़रूरत पड़ जाती है, थर्ड आइज। अगर वो खुल जाए ना तो हमें धोखा नहीं मिलता, क्योंकि आजकल ज़माना कुछ अलग है बाबा। सोच समझ के चलो तो फिर दुर्घटनाएं नहीं घटेंगी। संतोष जी के साथ कई ऐसी घटनाएं घट गई जिससे उनकी फिल्में किसी और ने ले ली और अपने नाम से कर ली, या फिर उनके गाने बहुत ज़्यादा संतोष जी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जितनी ज़िंदगी में परेशानियां आएं उन सबको अगर आप पार करके आगे बढ़ जाते हो तो बन जाते हो सुपरस्टार, और सितारे की तरह पूरे आसमान में सिर्फ आप ही आप होते हो। तो वैसे ही संतोष जी आजकल खूब चमक रहे हैं और यूं ही चमकते रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया की तरफ से। आपको संतोष रेणु जी का ये गाना कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, ढेर सारे सुझाव दें, और ढेर सारे जो प्यारे प्यारे से आपके कमेंट्स आते हैं ना, और संतोष रेणु जी का अगर कोई गाना सुनना हो तो वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालें, हम उस पर ध्यान करेंगे और संतोष जी से रिक्वेस्ट करेंगे। भाई आखिर दर्शक है आप हमारे, तो हम उनसे बात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि आपके डिमांड के अनुसार हम वो गाना आपको दिखा सके। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।